लोयाबाद नंबर 5 स्थित आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो के आवासीय कार्यालय में बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस को संबोधित करते हुए मंटू महतो ने कहा कि दिनांक 2/5/2022 को बांसजोड़ा परियोजना में बाइक सवार धीरज चौहान की मौत मामले को DGMS आउटसोर्सिंग प्रबंधन, BCCL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन साजिश के तहत मामले को छुपाने का प्रयास कर रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधक DGMS को जांच में सहयोग करने के बदले उलझाने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। पीड़िता को न्याय और घटना की सच्चाई को उजागर करने के लिए आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर घटना 10 सीम X पैच का नहीं है तो आउटसोर्सिंग कंपनी जाँच में बाधा क्यों उत्पन्न कर रही है, जबकि घटनास्थल का वीडियो फुटेज घटनास्थल की सच्चाई बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन अभी तक टक्कर मारने वाले हाईवा को जब्त नहीं किया है और ना ही टीपलर के चालक से बयान लिया, जो घायल को अस्पताल लेकर गया था। उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी घटनास्थल पर नहीं थी, उसे जो बताया गया वही पुलिस को बताई है, जबकि जरूरत पड़ी तो घटना की सैकड़ों चश्मदीद गवाह घटना की पुष्टि करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मंशा आउटसोर्सिंग कंपनी को बंद करवाने का नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का है। मौके पर शंकर केसरी, शत्रुघ्न राम, विनोद पासवान, पप्पू महतो, संतोष महतो आदि उपस्थित थे। देखिए, आज अखबार में कुछ समाचार आया है, छपा है। सिजुआ क्षेत्र संख्या 5 का चंद्रा बांस जोड़ा एक्स पैच में पिछले 2/5/2022 को एक एक्सीडेंट हुआ था। एक जोगता श्याम बाजार निवासी धीरज नोनिया का एक्सीडेंट दुर्घटना से 10 सिम X पैच में मोटरसाइकिल सवार था, उसका दुर्घटना हुआ, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। उस संबंध में कल DGMS का इंक्वायरी था। DGMS इंक्वायरी करने के लिए आया था, वो BCCL के लोग रहे चाहे कंपनी के लोग रहे, उसका इंक्वायरी में विभिन्न तरह से लोग बाधा डालने का प्रयास किया। और एक आरोप भी लगा कि कंपनी बंद करना चाहता है, अखबार में आज पढ़ने के लिए मिला। और मंटू महतो राजनीति करता है, किसी के लाश पे। मेरा कहने का मतलब है कि जो फोटो वायरल हुआ उस घटना का, एक्सीडेंट का, वो मंटू महतो ने खींचा था। वो फोटो वहां का प्रत्यक्षदर्शी विभिन्न लोग खींचे होंगे और उन लोग वायरल किया। फोटो और घटना से स्पष्ट पता चला कि एक्सीडेंट माइंस में हुआ और उस माइंस में घटना को BCCL या DGMS या कंपनी को बोलिए, उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है उससे भागने के लिए उस घटना को दूसरे जगह अंजाम बहुत ही प्लानिंग से साजिश करके उसके परिवार के, उसकी पत्नी को अपने एन-केन प्रकार से विश्वास में लेकर के उस घटना स्थल को दूसरे जगह स्थल बना करके BCCL अपने जिम्मेवारी से भागना चाह रही है या बचना चाह रही है जवाबदेही से। इस संबंध में कहना है मेरा कि फोटो से स्पष्ट है कि घटना DGMS जांच का विषय है। अगर DGMS जांच करने के लिए आई है तो इसमें विवाद और प्रतिवाद का क्या बात है। सच्चाई अगर सचमुच में अगर घटना अगर DGMS जांच करने के लिए आई है तो इसमें विवाद और प्रतिवाद का क्या बात है। सच्चाई अगर सचमुच में अगर घटना माइंस में नहीं हुआ है वो भी एक जांच का विषय है। थाना में FIR हुआ है, थाना में भी प्रशासन से हम लोग आरक्षी अधीक्षक महोदय, SSP धनबाद से, थाना प्रभारी से, DIG से, DGP से, झारखंड के मुख्यमंत्री से इस घटना का हम लोग जांच का मांग किए हैं, क्योंकि घटना का पूरा गवाह सबूत बयान वायरल हुआ। अब अगर घटना को उसको कोई झूठा दिखाने के लिए उस साक्ष को किसी भी तरह से
अगर कोई छिपा रहा, चाहे उसके परिवार के लोग छिपा रहा है, चाहे कंपनी के लोग छिपा रहा है, आखिर क्या विषय है कि किसी परिवार से एक व्यक्ति मरता है एक्सीडेंट से और उसके परिवार के लोग का बयान आता है कि हमारा परिवार को हम पहचानते नहीं हैं, गाड़ी को हम चिन्हते नहीं हैं, उस सबूतों को वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके परिवार के लोग कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर तो थे नहीं, प्रत्यक्षदर्शी थी नहीं, इसलिए पूरे घटना को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है एक साजिश की तरह कंपनी और मैनेजमेंट मिल करके। लेकिन ये साजिश चलने के नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र कानून से, नियम से और संविधान से चलता है, तो कानून जो करेगा वो कानून विधिवत काम करेगा। हम लोग भी मांग करते हैं कि इस घटना में किसी तरह का कोई दोषी बचे नहीं और निष्पक्ष जांच हो। जहां तक इस घटना में है, चूंकि वो आई विटनेस नहीं है, उसका इस घटना से वो भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पुलिस जांच कर रहा है, मेरा भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जांच कर रहा है और हम मांग कर रहे हैं कि घटना का सच्चाई तक घटना सच हो, कि भविष्य में किसी माइंस में किसी तरह कोई निर्दोष आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर माइंस में किसी का दोबारा इस तरह का घटना और कंपनी या बिसल इस तरह से लापरवाही नहीं करें। तो ये एक जांच का डीजीएमएस जांच कर रहा है। अगर डीजीएमएस काल जांच हुई है, गवाह लिया गया है, सैकड़ों गवाह, एक दो ठो ने दर्जनों ने इस घटना का सैकड़ों गवाह जो प्रत्यक्षदर्शी है, वो डीजीएमएस रहे, कोर्ट रहे, प्रशासन रहे, सबके सामने सैकड़ों गवाह इस घटना को प्रत्यक्षदर्शी गवाह देने के लिए तैयार है और गवाह देगी। इस घटना में कोई भी एजेंसी, इस घटना में कोई भी एजेंसी, चाहे बीसीसीएल का, डीजीएमएस का, कोई भी एजेंसी अगर गलत दिशा में जाएगा, साक्ष्य सबूत को छिपाएगा या प्रशासन हो, तो हम लोग सड़क पे उतर कर इसका आंदोलन करेंगे। इसमें कोई और जरूरत पड़ा घटना में, अगर किसी भी तरह से कोई कंपनी को बचाना चाहे, कोई विशेष अधिकारी को बचाना चाहे, कोई ठेकेदार को बचाना चाहे, तो उस षड्यंत्र का भी खुलासा होगा। और अंततः अगर जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग श्रम मंत्रालय या श्रम नियोजन मंत्रालय क्षेत्र में आता है, हम लोग उससे भी मांग किए हैं, श्रम नियोजन मंत्रालय से भी, कि इस घटना का पूरी सच्चाई तक जाए और इस घटना, हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है, हमारा क्या साजिश हो सकता है। उस पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिलेगा, अगर कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, तो वो क्या हमको तो नहीं मिलेगा, उस परिवार को मिलेगा नियम संगत, तो मेरा उसमें क्या स्वार्थ हो सकता है। हम अगर मजदूर को बोनस के लिए मांग करते हैं, मजदूर का आज तक सकार मास जब तक चल रही थी तब तक 30 दिन मजदूर खटता था, 26 दिन मजदूर खटता था, आज मजदूरों को 20 दिन खटाया जा रहा, 13 दिन खटाना चाह रहा था। हम अगर 26 दिन का मांग करते हैं मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, तो भी मजदूर विरोध करेगा, ये कहीं व्यवहारिक है। हम बोनस का मांग करते हैं, हम पीएफ का मांग करते हैं, हम ग्रेच्युटी का मांग करते हैं, हम उसका एचपीसी का मांग करते हैं, ये कहीं से व्यवहारिक है कि हम मजदूर के अधिकारों की मांग करने वाला नेता का मजदूर विरोध करेगा जो मजदूर के लिए मांग कर रहा है। हम तो ये बात मांग कर रहे हैं, मजदूर को 13 दिन कंपनी में काम दिलाना चाहता था, हम 20 दिन लड़ करके करवाएं, कंपनी वादा किया था कि नहीं हम फिर 26 दिन करेंगे, कंपनी नहीं चाह रही है। कंपनी का एक्सपेच का एनआईटी पृष्ठ संख्या 39 और 40 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समृद्ध योजनाओं विधिद प्रावधान अधिनियम सीएमपीएफ अधिनियम 1948 सीएमपीएस के अनुसार 1998 या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 मामले में शायद ठेकेदार या ठेकेदारों को सीएमपीएफ का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा मजदूरों को, और विविध प्रावधान अधिनियम 1948 और उनके तहत बनाई गई समृद्ध योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा तैनात कर्मचारियों और उन्हें वैधानिक बकाया की वसूली करनी होगी और जमा करना होगा। ये सीख नहीं हो सकता है। दूसरी, जो डीजीएमएस जो छिपाना चाह रहा है,
जो कंपनी भाग रही है जांच करने से, आप निर्दोष है तो आप जांच करवाने से क्यों भाग रहे हैं? जांच होने दीजिए। साफ सफाया पृष्ठ संख्या एक है आपका जाकर के 43 एनआईटी का, फिर एक्स पेज का 43 पृष्ठ संख्या में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी दुर्घटना क्षति के लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी दायित्व यदि कंपनी को उत्पादन के निबंधन या इसकी निष्क्रियता के कारण कोई नुकसान होता है, उपकरण कर्मचारी या किसी अन्य खाते में उसकी संपत्ति को नुकसान, किसी के कारण ठेकेदार की ओर से विफलता या चूक या कमीशन के किसी भी कार्य के कारण अपने प्रतिनिधियों कर्मचारियों का हिस्सा या ठेकेदार के ट्रक उपकरणों से कंपनी द्वारा मूल्यांकन के रूप में उसी का मूल्य वसूल किया जाएगा कंपनी से। ये कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और देना है, जिससे कंपनी भागना चाह रही है कि ये घटना अगर माइन से हम बाहर दिखा देंगे तो हम जवाबदेही से बच जाएंगे और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा जो देना है वो नहीं। तो कंपनी का मूल उद्देश्य है कि इस घटना को कंपनी माइन से बाहर दिखाना चाह रही है, लेकिन दिन को कोई रात नहीं हो सकता कभी। जो एविडेंस है, जो गवाह है, जो सबूत है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर उसको कोई भी झुठलाने का प्रयास करेगा वो उतना बड़ा आंदोलन होगा और उतना बड़ा लड़ाई सड़क पर उतर के हम लोग करेंगे। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। पीड़ित परिवार से के प्रति हम लोग का संवेदना है। पीड़ित परिवार, कल डीजीएमएस का इंक्वायरी था, उसको कैसे पता चला कि डीजीएमएस उसको क्या कॉल किया था, उसको कौन लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुद्धि कौन दिया, प्रोस्पेंसरिस क्यों, मंटू महतो क्या वो जानता है या हम उसको जानते हैं, राजनीति हो रहा, किस बात का राजनीति हो रहा। हम तो पीड़ित परिवार पे कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो उस घटना की जांच का मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को अगर नहीं लेना है मुआवजा वो अलग बात है, मत ले, हमको उससे क्या मतलब है। अगर नहीं लेना चाहती है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन घटना को, किसी कांड को, किसी अनुसंधान को कोई गुमराह या दिशा बदलने का कोशिश करेगा, हम नहीं कर रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, तो उसका जांच होना चाहिए। ये क्या तुक है कि अगर एविडेंस, अगर जिसका किसी भी परिवार का मरता है कोई परिवार में और वो मुआवजा से भाग रहा है, जांच से भाग रहा है, ये क्या इंगित करता है? इसका मतलब कोई दुर्घटना नहीं है, वो साजिश के तहत घटना हुआ है, वो हो सकता है हत्या भी तब हो सकता है, हत्या का भी मामला बनता है। पूरे साक्ष को छिपाने का प्रयास, घटना को छिपाने का प्रयास, झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये किधर क्या दर्शाना चाह रहा है वो जो बयान। लेकिन घटना को, किसी कांड को, किसी अनुसंधान को कोई गुमराह या दिशा बदलने का कोशिश करेगा, हम नहीं कर रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, तो उसका जांच होना चाहिए। ये क्या तुक है कि अगर एविडेंस, अगर जिसका किसी भी परिवार का मरता है कोई परिवार में और वो मुआवजा से भाग रहा है, जांच से भाग रहा है, ये क्या इंगित करता है? इसका मतलब कोई दुर्घटना नहीं है, वो साजिश के तहत घटना हुआ है, वो हो सकता है हत्या भी तब हो सकता है, हत्या का भी मामला बनता है। पूरे साक्ष को छिपाने का प्रयास, घटना को छिपाने का प्रयास, झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये किधर क्या दर्शाना चाह रहा है? वो जो बयान महिला से दिलवाया जा रहा है उसको क्या दर्शाना चाह रहा है? महिला की क्या भूमिका है इस घटना में? वो तो आई विटनेस थी नहीं, प्रत्यक्षदर्शी थी नहीं। अगर नहीं लेना है हम लोग को उससे कोई दिक्कत, हमारा मांग है कि जो घटना घटी है वो सच घटी है कि झूठ घटी है, वहां घटी है कि नहीं घटी है, इस बात का इंक्वायरी होना चाहिए। इस बात का, इसके लिए हम लोग सबूत दिए हैं, इसके लिए गवाह दर्जनों देंगे, सैकड़ों गवाह देंगे, जहां बोलेगा डीजीएमएस देगा, कोर्ट में देना होगा कोर्ट में देंगे, और अंततः ये लड़ाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, तो हाईकोर्ट में रीट करके हम लोग इस लड़ाई के लिए हम लोग किसी के खिलाफ में हम लोग जांच का आदेश करेंगे। चूंकि कानून का राज है, कानून को कोई सोचेगा कि मिटा देगा, कानून कभी मिट नहीं सकता, हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है देश, इसलिए यहाँ कानून का ही राज चलेगा और कानून जो कहेगा उसको मानना होगा। और सवाल किसी का गिदड़ भपकी का है, तो हमारा साथी कोई किसी के गिदड़ भपकी से डरने नहीं जा रहा है, न मंटू महतो किसी के गिदड़ भपकी से डरने जा रहा है। कंपनी जितना ताकत लगाना है, दबाव बनाना है, जितना कंपनी को करना है कंपनी करे, लेकिन इस बात में हमारा कंपनी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कंपनी से इस घटना का जांच हो। कंपनी, अगर कंपनी में ऐसा बात नहीं कि ऐसा घटना पहली बार होता है, हुआ है, पहले भी होते रहता है कंपनी में घटना, लेकिन उसका इंक्वायरी होता है ना, मानता है ना, कंपनी इंक्वायरी क्यों नहीं कराना चाहती, इसके सूचना क्यों नहीं दी? इससे ज्यादा वीडियो जितना वायरल हुआ उससे ज्यादा प्रमाण और हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है, उसका जांच करे। जांच में लोग बाधा क्यों डालना चाहता है,
जांच में विश्वास क्यों नहीं करता है? पुलिस के जांच में, डीजीएमएस के जांच में, बीसीएल के जांच में विश्वास क्यों नहीं करना चाहता है? इसलिए इसका जांच होना चाहिए और ये सड़क से लेकर के सदन तक होगा, ये मुद्दा उठेगा और जरूरत पड़े पर बहुत बड़ा आंदोलन, छोटा आंदोलन का सवाल नहीं, जितना बड़ा आंदोलन का इस जांच में पड़ेगा उतना बड़ा आंदोलन धनबाद जिला में इस जांच के लिए होगा। इसका दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे तभी इस आंदोलन वापस हो सकता है, ये समाप्त हो सकती है, ये विषय, ये मुद्दा।